Welcome to the online lecture series of environmental science. First unit हम study कर रहे हैं, उसमें आपका जो तीसरा topic है, third sub unit है, वो आपका ecosystem structure function हम बाद में study करेंगे. सबसे पहले आप लोगों ने देखा environment, उसके components भी देखे, biodiversity components. जो इन्फ्लुएंस करते हैं किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल प्लांट एनिमल की एक्टिविटी को, मैं कनेक्ट करके ला रहा हूं. आज हम देखते हैं इकोसिस्टम कि भाई इकोसिस्टम क्या होता है. इकोसिस्टम की अगर हम बात करते हैं, इकोसिस्टम हम सिंपली कहते हैं, कुछ बातों को याद रखना है आपने, एक सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम, सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम मतलब आपके इकोसिस्टम एक ऐसा सेटअप है जो खुद ब खुद से रेगुलेट हो जाता है. इसके जो भी काम होते हैं वो खुद से रेगुलेट होता है. इसको बाहर से कोई इंटरवेंशन नहीं है ह्यूमन बीइंग वगैरह का. सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स, कंसिस्टिंग ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स, जिसमें दो अलग अलग से कंपोनेंट्स इंक्लूड होते हैं. बायोटिक अब अच्छे से जानते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. अबायोटिक कंपोनेंट में आप जानते हैं आपके पास एटमोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर और फिजिकल फैक्टर्स में हमने आपको बताया था, क्लाइमेटिक फैक्टर्स बताया था, एडिफिक फैक्टर्स बताया था और हमने टोपोग्राफिक फैक्टर्स बताया था. तो सारी चीजें इंक्लूड हो रहा है इसमें आपके बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स में. अब क्या कहा हमने, इकोसिस्टम सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम वेयर देयर इज एन एग्जिस्टेंस ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स एंड द इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स. कहने का मतलब है जो बायोटिक कंपोनेंट है वो आपके अबायोटिक कंपोनेंट के साथ इंटरेक्शन करते हैं और आपके जो अबायोटिक कंपोनेंट्स है वो आपके बायोटिक कंपोनेंट के साथ इंटरेक्शन करते हैं, जिसमें आपका दो मेन फंक्शन होता है जिसे आप कहते हैं, नंबर एक न्यूट्रिएंट साइक्लिंग एंड एनर्जी फ्लो. मतलब इकोसिस्टम इज अ सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम वेयर देयर इज एन इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स एंड देयर इज ऑल्सो एन इंटरेक्शन within the biotic components, within the biotic components, and उस इंटरेक्शन में होता क्या है, उस इंटरेक्शन में दो मेन काम होते हैं, दो मेन फंक्शंस होते हैं, जिसमें एक तो हमने कहा न्यूट्रिएंट साइक्लिंग होता है आपका और दूसरा आपका होता है एनर्जी फ्लो. तो इकोसिस्टम को अगर हम डिफाइन करना चाहेंगे, ecosystem is a self-regulating system where there is an interaction between biotic and abiotic component and there is also interaction within the biotic components or within the biotic constituents, and two main functions performed by the ecosystem, one is nutrient cycling and another is energy flow. अब जो definition है वो 1935 में आर्थर जी टेंसले ने दिया था, डिफाइन किया था उसने. इसका मतलब यह हुआ कि इकोसिस्टम में बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स का इंटरेक्शन होता है और उस इंटरेक्शन में काम क्या होता है, एक न्यूट्रिएंट साइक्लिंग होता है, दूसरा एनर्जी फ्लो होता है. और जब भी हम नेचर के बारे में स्टडी करते हैं या आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इंटरेक्शन आपके
एनवायरनमेंट के साथ जो इंटरेक्शन होता है उस इंटरेक्शन के स्टडी करने को अगर हम देखेंगे तो उसको हम कहते हैं इकोलॉजी कहते हैं, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक इंटरेक्शन होता है आपके नेचर के साथ और उस इंटरेक्शन को उस स्टडी करने को उस चीज को डिस्कोर्स करने को हम क्या कहते हैं इकोलॉजी कहते हैं। इकोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद देयर एनवायरनमेंट विद देयर इमीडिएट एनवायरनमेंट इज नोन एज इकोलॉजी। इकोलॉजी जो वर्ड दिया था वो दिया था एर्नेस्ट हैकल ने, एर्नेस्ट हैकल ने आई थिंक 1835। कहने का मतलब है लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपके इंटरेक्शन कर रहे हैं आपके एनवायरमेंट के साथ और जिस चीज की स्टडी करने को हमने इकोलॉजी कहा। और इकोसिस्टम की अगर बात करते हैं तो इकोसिस्टम को हमने कहा ए सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम वेयर देयर इज एन इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट एंड देयर इज एन ऑल्सो इंटरेक्शन विद इन द बायोटिक कंपोनेंट्स एंड टू मेन फंक्शंस परफॉर्मड बाय द इकोसिस्टम इज न्यूट्रिएंट साइक्लिंग एंड एनर्जी फ्लो। अब की पॉइंट्स देखेंगे हम लोग इकोसिस्टम का। भाई इकोसिस्टम एक्चुअली क्या है, इसमें क्या क्या की पॉइंट्स है जिसको हमें याद रखने की जरूरत है, जिसको हमें स्टडी करने की जरूरत है, तो वो चीजें अगर हम डिस्कस करना चाहेंगे। सबसे जो की पॉइंट्स है, की पॉइंट्स ऑफ इकोसिस्टम, आपको जैसे पता है एक सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम है आपका इकोसिस्टम। अब एक इकोसिस्टम ऐसा एक इंटीग्रेटेड यूनिट है जहां पे आपके प्लांट्स हैं, जहां पे आपके एनिमल्स हैं, जहां पे आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जहां पे आपके अबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, उन सबको मिला के उन सबको कलेक्टिवली, चाहे आपके बायोटिक कंपोनेंट है या आपके अबायोटिक कंपोनेंट है, उन दोनों को कलेक्टिवली मिला के हम क्या कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम कहते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम मींस प्लांट से आपके इकोसिस्टम में, एनिमल से आपके इकोसिस्टम में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है आपके इकोसिस्टम में, हाइड्रोस्फीयर है आपके इकोसिस्टम में, लिथोस्फीयर है आपके इकोसिस्टम में, एटमोस्फीयर, इन सबका एक कलेक्टिवली एक यूनिट एक स्ट्रक्चर है आप लोगों का, जिसको इकोसिस्टम कहा। अब इस इकोसिस्टम को एक सिंगल यूनिट भी हम कह सकते हैं, लेकिन एक चीज याद रखना है इकोसिस्टम कैन बी एज स्मॉल एज ए ड्रॉप ऑफ वाटर एंड एज बिग एज एन ओशन। इनफैक्ट द होल वर्ल्ड कैन बी कंसिडर्ड एज ए ग्रैंड इकोसिस्टम। कहने का मतलब मेरा है इकोसिस्टम इतना छोटा हो सकता है कि आपके वाटर का एक ड्रॉप जिसमें आपके पास फाइटोप्लैंक्टन हो सकते हैं, जूप्लैंक्टन हो सकते हैं, एक्टिनोमाइसिट्स हो सकते हैं, पता नहीं कितने छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स के फॉर्म में और आपके अबायोटिक कंपोनेंट्स के फॉर्म में। यहाँ पर भाई आपके पास डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन यहाँ पर है, फिक्स्ड कार्बन डाइऑक्साइड है यहाँ पर, नाइट्रेट्स अवेलेबल है, अमोनिया आपके वाटर में अवेलेबल है इस ड्रॉप ऑफ वाटर में, तो आपके पास बायोटिक कंपोनेंट भी मौजूद है और अबायोटिक कंपोनेंट भी मौजूद है किसमें, आपके इस ड्रॉप ऑफ वाटर में। अब इसी तरह ओशन की अगर बात करते हैं तो वहां भी आपको बड़े बड़े लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे फिश के फॉर्म में, अबायोटिक के फॉर्म में आपको वही मिलेंगे फिक्स्ड ऑक्सीजन। कहने का मतलब है अगर आप एक ओशन की बात करते हैं, एक ड्रॉप ऑफ वाटर की बात करते हैं, दोनों में जो फंक्शन होता है, फंक्शन क्या होता है हमने ऑलरेडी मेंशन किया था आप लोगों को, या तो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग होता है या एनर्जी फ्लो होता है, दोनों का फंक्शन अगर हम देखेंगे ड्रॉप ऑफ वाटर का या एक लार्ज बिग ओशन का अगर हम देखेंगे या पूरे वर्ल्ड का अगर हम देखेंगे, दोनों के फंक्शन को अगर हम कंपैरिजन करेंगे वी कांट सी एनी टाइप ऑफ डिफरेंस बिटवीन दीज टू इकोसिस्टम इन टर्म्स ऑफ साइज, इन टर्म्स ऑफ फंक्शन सॉरी, साइज में डिफरेंस है लेकिन फंक्शन में कोई भी डिफरेंस नहीं है। अगर न्यूट्रिएंट साइक्लिंग आपके ड्रॉप ऑफ वाटर में हो रहा है, आपके ओशन में भी हो रहा है, आपके पूरे वर्ल्ड में हो रहा है, मतलब कहने का इकोसिस्टम कैन बी एज स्मॉल एज ए ड्रॉप ऑफ वाटर एज बिग एज एन ओशन, इनफैक्ट
अर्थ इटसेल्फ इज कंसिडर्ड एज ए होल इकोसिस्टम। क्या चीज इंक्लूड कर दिया हमने? बायोटिक कंपोनेंट, और एबायोटिक उसमें आपके सारे ऑर्गेनिजम्स एक यूनिट की तरफ काम करते हैं, क्योंकि हमने पहले कहा था आप लोगों को इकोसिस्टम इज अ सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम। अब क्या करते हैं ये लोग? फ्रीली एक्सचेंज करते हैं। भाई फ्रीली क्या एक्सचेंज करते हैं? ये की पॉइंट्स में बता रहा हूं आप लोगों को। एक्सचेंज फ्रीली मटेरियल एंड एनर्जी। भाई क्या करते हैं? तो मैटर या मटेरियल एक्सचेंज करते हैं, और क्या एक्सचेंज करते हैं ये लोग? एनर्जी करते हैं। भाई कहां से एनर्जी एक्सचेंज करते हैं? कैसे ये लोग मैटर को ट्रांसफर करते हैं? फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी सभी जानते हैं हमारे पास सन है। सन से एनर्जी भाई कहां पे ट्रांसफर हो रहा है? आपका ग्रीन प्लांट्स, आगे डिस्कस करेंगे क्या होते हैं ये प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स जब ऑटोट्रॉप्स। उसके बाद आपके भाई एनिमल वाले कंपोनेंट में चले आ गए। उसके बाद जी फिर आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में चले आ गए। भाई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में फिर जो न्यूट्रिएंट बना, चाहे आपका कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन हो के कार्बोहाइड्रेट्स बने, या आपका नाइट्रोजन का फिक्सेशन हो के आपके प्रोटीन्स बने, वो आपके एनिमल में चला है, एनिमल से आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। तो कहने का मतलब है वो दोबारा से फिर से रिलीज हो गए आपके अबायोटिक कंपोनेंट में, दोबारा से आएंगे। कहने का मतलब है भाई जो आपका एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ सन है वो आपके प्लांट्स में चला गया। प्लांट्स ने उस एनर्जी को कैप्चर किया, कैप्चर करने के बाद प्लांट ने उस एनिमल पे फीड किया तो वहां चला गया एनर्जी ट्रांसफर होके। फिर उसके बाद उस एनिमल से आगे वाले प्राइमरी सेकेंडरी जो भी कंज्यूमर्स होंगे वहां चले गए। तो कहने का मतलब एनर्जी आपका सन से ट्रांसफर हो रहा है डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द बायोटिक कंपोनेंट्स में। एग्जैक्टली इसी तरह मैंने मेंशन किया आप लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन फिक्सेशन होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, वो भी आपके प्लांट में चला गया। आपका एलिमेंटल नाइट्रोजन है वो भी आपके प्लांट में या बैक्टीरिया के थ्रू आ गया। फिर उसके बाद एनिमल प्रोटीन बना। फिर उसके बाद फाइनली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिनको हम मिनरलाइजर्स भी कहते हैं या डिकम्पोजर्स कहते हैं, उन्होंने फिर दोबारा से कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में या दोबारा एलिमेंटल फॉर्म में दोबारा से रिलीज करके एटमोस्फेरिक कंपोनेंट में वापस भेजा। तो कहने का मतलब है ये एक तो एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं फ्रॉम सन से, या तो आपका मैटर का ट्रांसफर हो रहा है जो आपके एटमोस्फेरिक पूल में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट की पॉइंट था, एक्सचेंज फ्रीली मैटर एंड एनर्जी, ये हमारा कंसेप्चुलाइज हो गया। अब ये एक्सचेंज किनके बीच में हो सकता है? भाई एक्सचेंज हो सकता है या तो आपके, ये एक्सचेंज ऑफ मैटर एंड एनर्जी की अगर बात करते हैं, ये एक क्लोज्ड इकोसिस्टम में हो सकता है या तो एक ओपन इकोसिस्टम में हो सकता है। क्लोज्ड इकोसिस्टम का मतलब है उस इको, एक पर्टिकुलर जगह पे अगर जाके हम एक ज्योग्राफिकल रीजन में देखेंगे, एक इकोसिस्टम होगा जो सेल्फली रेगुलेट करता होगा, जो वहां के बायोटिक कंपोनेंट को इस्तेमाल करता होगा। चाहे आपकी वाटर की बात करते हैं, वहां के मिनरल रिसोर्स की बात करते हैं, वहां के सनलाइट की अगर बात करते हैं, दूसरा इकोसिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो एक ओपन इकोसिस्टम की बात करते हैं, वो एक लार्ज एरिया में फैला हुआ है, एक एक्सटेंडेड एरिया में है, जो मिनरल रिसोर्स को, वाटर को, एयर को या दूसरे कंपोनेंट को दूसरे पर्टिकुलर नियर बाई ज्योग्राफिकल एरिया से अगर ऑब्टेन करते हैं तो एक ओपन इकोसिस्टम हमने उसको कहा। तो कहने का मतलब कलेक्टिवली इकोसिस्टम एक सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम है, जहां पे बायोटिक कंपोनेंट का अबायोटिक कंपोनेंट के साथ इंटरेक्शन होता है, और अमंग द बायोटिक कंपोनेंट्स भी इंटरेक्शन होते हैं, और जिसमें काम दो मेन काम होते हैं या फंक्शंस जिसे आप कहते हैं, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग और फ्लो ऑफ एनर्जी। अब यहां पे एक चीज मैं जस्टिफाई करना चाहूंगा आप लोगों को, मैंने बता तो दिया आप लोगों को कि भाई कैसे बायोटिक कंपोनेंट्स, मैंने कहा पहले मैं कहना चाहूंगा भाई आप लोगों को बायोटिक कंपोनेंट का इंटरेक्शन
अबायोटिक कंपोनेंट से कैसे अबायोटिक कंपोनेंट से कैसे होता है, बता तो दिया लेकिन हम कंसेप्चुलाइज करना चाहेंगे। डेफिनेशन में हमने बता दिया था बायोटिक कंपोनेंट का एबायोटिक के साथ इंटरेक्शन होता है, भाई कैसे होता है। अगर हम बात करते हैं अबायोटिक कंपोनेंट में एयर की, या हम जिससे एटमोस्फेरिक कंपोनेंट कहते हैं, एटमोस्फेरिक कंपोनेंट, या हमारे पास हाइड्रोस्फेरिक कंपोनेंट जिसे हमने वाटर, या आपका लिथोस्फेरिक कंपोनेंट, भाई कैसे इंटरेक्शन कर रहे हैं ये हमारे बायोटिक कंपोनेंट के साथ। एयर वाले कंपोनेंट की अगर बात करते हैं तो भाई हमारे एटमोस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल है, किस कंपोनेंट में इंक्लूड होता है, ये हमारे एटमोस्फेरिक कंपोनेंट में इंक्लूड होता है, वो किस में होता है, हमारे अबायोटिक कंपोनेंट में इंक्लूड होता है। इसका मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड अबायोटिक कंपोनेंट में एग्जिस्ट कर रहा है, भाई कैसे इंटरेक्शन कर रहा है ये हमारे बायोटिक कंपोनेंट के साथ। आप लोगों ने फोटोसिंथेसिस तो सबने सुना होगा, फोटोसिंथेसिस कौन करता है, ये हमारे प्लांट्स करते हैं, भाई प्लांट्स किस कंपोनेंट में आते हैं, ये हमारे बायोटिक कंपोनेंट में आते हैं। इसका मतलब आपका एटमोस्फेरिक कंपोनेंट जो अबायोटिक कंपोनेंट है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, वो आपके प्लांट में चला गया फिक्सेशन, कार्बन फिक्सेशन के दौरान, फोटोसिंथेसिस के दौरान। इसका मतलब बायोटिक अबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट का इंटरेक्शन हो रहा है। इन टर्न आपके जो प्लांट्स होते हैं वो आपके ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं एज बाई प्रोडक्ट, कहां चला जाता है, अगेन आपके एटमोस्फेयर में चला जाता है। कहने का मतलब आपके प्लांट बायोटिक कंपोनेंट है, एटमोस्फेयर में ऑक्सीजन रिलीज किया, अबायोटिक कंपोनेंट है, तो इसमें क्या हो रहा है, आपके बायोटिक कंपोनेंट का अबायोटिक के साथ इंटरेक्शन और बायोटिक कंपोनेंट का अबायोटिक कंपोनेंट के साथ इंटरेक्शन हो रहा है। उन दोनों के बीच में कुछ चीजें एक्सचेंज हो रहा है, जो बायोटिक कंपोनेंट अबायोटिक को दे रहा है, अबायोटिक बायोटिक को दे रहा है। तो हमने जस्टिफाई किया कि इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट। एग्जैक्टली इसी तरह ये प्लांट हमारा, ये जो प्लांट है, ये जो प्लांट हमारा है, एटमॉस्फेयर से भाई इसने कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, लेकिन भाई लिथोस्फेरिक कंपोनेंट से क्या लेता है, या हाइड्रोस्फेरिक कंपोनेंट से क्या लेता है। हाइड्रोस्फेरिक कंपोनेंट की हम बात करते हैं तो भाई वाटर चाहिए होता है इसको, तो वाटर एब्सॉर्ब करता है भाई। यहाँ पे लिथोस्फेरिक कंपोनेंट से क्या लेता है, क्योंकि पहले तो आपका जो लिथोस्फेरिक कंपोनेंट है वो एक्ट करता है एज ए सबस्ट्रेटम, इसको इरेक्ट करने के लिए, इसको यहां पे सस्टेन करने के लिए इसको सपोर्ट देता है, और साथ में जो आपके सॉइल के जो फैक्टर, जो एडेफिक फैक्टर हमने ऑलरेडी मेंशन किया था प्रीवियस लेक्चर में, वहां से इसको क्या मिनरल्स प्रोवाइड करता है। क्योंकि सिर्फ अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन करते हैं, आपके पास वाटर नहीं होगा, आपके पास मिनरल कंपोनेंट नहीं होगा, तो आपका प्लांट सर्वाइव नहीं करेगा। इसलिए आपके हाइड्रोस्फेरिक कंपोनेंट में से वाटर लेता है और आपके लिथोस्फेरिक कंपोनेंट में से ये न्यूट्रिएंट्स को, मिनरल्स को ऑब्टेन करता है। इसका मतलब हम जस्टिफाई कर पा रहे हैं कि आपका बायोटिक कंपोनेंट का अबायोटिक के साथ, चाहे वो एटमोस्फेरिक कंपोनेंट वाला पोर्शन हो, चाहे आपका हाइड्रोस्फेरिक कंपोनेंट वाला पोर्शन हो, या आपका लिथोस्फेरिक कंपोनेंट वाला पोर्शन हो, ये प्लांट एज अ बायोटिक कम्युनिटी इंटरैक्ट करता है आपके तीनों अबायोटिक कंपोनेंट के साथ, वो आपका एटमोस्फेरिक हो, हाइड्रोस्फेरिक हो, या लिथोस्फेरिक हो। ठीक जी, अब भाई मैंने कहा था और कि अमंग द बायोटिक कंपोनेंट्स भी इंटरेक्शन होता है इकोसिस्टम में। अब देखते हैं हम भाई कैसे बायोटिक कंपोनेंट्स आपके इंटरेक्शन करते हैं एक दूसरे के साथ। होता क्या है बायोटिक कंपोनेंट का इंटरेक्शन, बायोटिक कंपोनेंट का इंटरेक्शन, बायोटिक कंपोनेंट्स कैसे इंटरेक्शन करते हैं, भाई बायोटिक कंपोनेंट कैसे इंटरेक्शन करते हैं, उसको समझने से पहले हमें थोड़ा स्ट्रक्चर पे जाना पड़ेगा। स्ट्रक्चर क्या है हमारे इकोसिस्टम का, जैसे मैंने कहा था आप लोगों को इकोसिस्टम का जो स्ट्रक्चर है अभी मेंशन किया मैंने, इकोसिस्टम ये दो चीजों पे है, एक तो बायोटिक और दूसरा हमने कहा अबायोटिक कंपोनेंट है।
बायोटिक और एबायोटिक कैसे इंटरेक्शन करते हैं ये मैंने बता दिया आप लोगों को, ठीक जी। अब मुझे बताना है आप लोगों को अमंग द बायोटिक कंपोनेंट कैसे इंटरेक्शन होते हैं। तो बायोटिक कंपोनेंट में होता क्या है भाई, आपके प्लांट्स के फॉर्म में प्रोड्यूसर, जिसको आप ऑटोट्रॉप्स, भाई ये ऑटोट्रॉप्स आपका दो अलग अलग टाइप हो सकता है। एक तो हम कहते हैं इसे फोटो ऑटोट्रॉप्स, फोटो ऑटोट्रॉप्स, वो दूसरा जो ऑटोट्रॉप होता है या प्रोड्यूसर होता है वो होता है कीमो ऑटोट्रॉप्स, नंबर एक। और भाई क्या होता है इसमें, जिसको हम प्रोड्यूसर कहते हैं, उसके बाद दूसरा जो लेवल होता है आपके बायोटिक कंपोनेंट्स का वो होता है आपका कंज्यूमर। भाई कंज्यूमर में क्या क्या है, कंज्यूमर में आपका प्राइमरी कंज्यूमर हो सकता है, सेकेंडरी कंज्यूमर हो सकता है, टर्शियरी कंज्यूमर हो सकता है, या आपका क्वार्टनरी कंज्यूमर्स हो सकता है। मतलब कहने का बायोटिक का अबायोटिक के साथ इंटरेक्शन, और अब हमें देखना है कि अमंग द बायोटिक कंपोनेंट कैसे इंटरेक्शन होता है। आप लोगों को मैंने पहले बताया कि सन का जो लाइट है उसको कैप्चर करता है आपके प्लांट्स, जिसे आपने प्रोड्यूसर कहा। इसका मतलब प्लांट्स का इंटरेक्शन है, प्लांट एज अ बायोटिक कंपोनेंट बीइंग अबायोटिक कंपोनेंट, ये इंटरेक्ट करता है आपके अबायोटिक कंपोनेंट के साथ, सनलाइट के साथ। उसके बाद इस प्लांट में कैपेबिलिटी है, इसमें पोटेंशियल है कि वो कन्वर्ट कर सकता है रेडिएंट एनर्जी को इनटू केमिकल एनर्जी में, रेडिएंट एनर्जी या सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में। फिर उसके बाद जब इसने कन्वर्जन किया, फूड मैन्युफैक्चर किया, तो उस पर फीडिंग करने वाले कुछ ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, जिसको हमने प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर या क्वार्टनरी कंज्यूमर हम क्लासिफाई करके बता सकते हैं। उसमें भी हम देखते हैं भाई कुछ हर्बीवोरस होते हैं जो सिर्फ हमारे प्लांट्स पे, हर्ब्स पे, शर्ब्स पे या ग्रासेस वगैरह पे फीड करते हैं, वीड्स वगैरह पे। उसमें आपके पास भाई कार्निवोरस हो सकते हैं भाई, जो सिर्फ फ्लैश ईटिंग होते हैं, जैसे आपके लायंस टाइगर्स वगैरह है, वो सिर्फ फ्लैश पे ही फीड करेंगे, मीट पे ही फीड करेंगे। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हो सकते हैं जो बोथ या तो फ्लैश पे फीड करेंगे या तो आपके ग्रासेस दोनों पे फीड करेंगे। कहने का मतलब हर्ब्स भी शर्ब्स भी वो फीड करेंगे, ग्रीन लीफी पे भी फीड करेंगे, और साथ में वो मीट पे भी अगर फीड करते हैं तो उनको हमने ओमनीवोरस कहा। अब हमें थोड़ा सा कंसेप्चुलाइज हो गया कि आपके बायोटिक कंपोनेंट में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं। कहने का मतलब है अगर प्रोड्यूसर है, अगर आपके पास ऑटोट्रॉफ है, वो सन की एनर्जी को ट्रैप करता है, वो एनर्जी आप ट्रांसफर करते हैं फर्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर, जिसको आपने प्राइमरी कंज्यूमर कहा। फिर उसके बाद ये कहां चला जाता है, वो ट्रांसफर करता है सेकेंडरी कंज्यूमर को। फिर उसके बाद किसको ट्रांसफर होता है, ये टर्शियरी कंज्यूमर को और क्वार्टनरी कंज्यूमर को। कहने का मतलब है प्रोड्यूसर एनर्जी को ट्रांसफर करता है प्राइमरी कंज्यूमर को, इसका मतलब प्रोड्यूसर और प्राइमरी कंज्यूमर के बीच में एक इंटरेक्शन हुआ, अमंग द बायोटिक कंपोनेंट इंटरेक्शन हमने कहा था। और जो प्राइमरी कंज्यूमर सेकेंडरी कंज्यूमर है वो टर्शियरी कंज्यूमर को फूड प्रोवाइड करेगा एनर्जी के फॉर्म में, ठीक है भाई। इसका मतलब सेकेंडरी और टर्शियरी का भी इंटरेक्शन हो गया। उसके बाद सेकेंड जो टर्शियरी कंज्यूमर है वो टॉप कंज्यूमर्स या टर्शियरी क्वार्टनरी कंज्यूमर्स को फूड प्रोवाइड करेंगे। लेकिन सबको अगर हम सब में एक चीज देखेंगे, चाहे आपके क्वार्टनरी कंज्यूमर्स हो, चाहे आपके टर्शियरी कंज्यूमर्स हो या सेकेंडरी कंज्यूमर हो या प्राइमरी कंज्यूमर हो, इनफैक्ट आपके प्रोड्यूसर ही क्यों ना हो, सब एक ही कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, और वो है आपका बायोटिक कंपोनेंट। तो बायोटिक कंपोनेंट के बीच में ये इंटरेक्शन हो रहा है, प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, कंपनी का, ऑल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ बायोटिक कंपोनेंट एंड दे आर इंटरेक्टिंग विद इन द बायोटिक कंपोनेंट बाय ट्रांसफरिंग एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू द नेक्स्ट सक्सेसिव ट्रॉफिक
levels up to the quaternary consumers. अब हमारा जो ecosystem का definition है वो justify हो गया. कैसे justify हो गया? मैंने कहा था ecosystem is a self-regulating system. भाई बाहर किसी के interaction करने की जरूरत नहीं है, self-interaction हो रहा है. Self-regulating system where there is an interaction between biotic and abiotic component. मैंने कहा कैसे कार्बन डाइऑक्साइड आता है, ऑक्सीजन चला जाता है, कैसे एलिमेंटल नाइट्रोजन का बैक्टीरिया के दौरान फिक्स किया जाता है प्रोटीन बनाने के लिए. और मैंने कहा था अमंग द बायोटिक कंपोनेंट इंटरेक्शन. बायोटिक कंपोनेंट क्या है? प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी सेकेंडरी, सेकेंडरी टर्शियरी, टर्शियरी क्वार्टनरी को फूड प्रोवाइड कर रहा है. सब एक ही कैटेगरी में आते हैं बायोटिक कंपोनेंट में. तो बायोटिक कंपोनेंट में ही इंटरेक्शन हो रहा है तो वो भी जस्टिफाई हो गया कि विद इन द बायोटिक कंपोनेंट में इंटरेक्शन हो रहा है. लेकिन काम क्या हो रहा है? मैंने कहा था एक न्यूट्रिएंट साइक्लिंग और एनर्जी फ्लो होता है. तो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग कैसे हो रहा है, सॉरी एनर्जी फ्लो कैसे हो रहा है? सन का एनर्जी प्रोड्यूसर के पास आ गया, प्रोड्यूसर ने प्राइमरी कंज्यूमर को, प्राइमरी ने सेकेंडरी क्वार्टनरी एंड टर्शियरी, सॉरी टर्शियरी एंड क्वार्टनरी कंज्यूमर्स को एनर्जी प्रोवाइड किया. तो ये हो गया आपका ट्रांसफर ऑफ एनर्जी. तो कल हम इस पे बात करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह बात करेंगे कि कैसे आपका न्यूट्रिएंट साइक्लिंग होता है. तो ये था ऑलमोस्ट ए कॉन्सेप्ट अबाउट एन इकोसिस्टम. होप नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे चलेंगे. तब तक हेल्दी रहिए, घर पे रहिए. खुदा हाफिज़.